नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज जो आप लोग यहां पर बैठे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम लोग मंडल टीम के अध्यक्ष अमित बुराई के नेतृत्व में इस नियामतपुर में कोर कमेटी का बैठक किए, जिसका उद्देश्य यही था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, आज हम लोग मंडल टीम की तरफ से ये टारगेट दिए कि 50,000 मेंबर हम लोग बना के जिला को देंगे, और इसके लिए बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे कैसे हम लोग को प्रोग्राम करना है, जिससे हम 50,000 मेंबर बनाने में सफल हैं, इसी के लिए कोर कमेटी के साथ विस्तारित चर्चा करें। हमारा उद्देश्य है, हम लोग डीपीएस का जो ऑल यूनियन है, सब यूनियन मिलकर यहाँ पर हम लोग घेराव कर्मसूची ले, इसके लिए जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, इसका जो मायना टाइमली नहीं होता है, और दूसरा की जो एटक आ रहा है, जो पीएपीएसआई वाला जो रुपया काटते हैं वो कंपनी काटता था पहले, इस बार का किया वो ठेकेदार के ऊपर छोड़ देता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ठेकेदार लोग उसका पीएफ का जो टाका, ईएसआई का टाका जमा नहीं करेगा पीएफ दफ्तर पर, तो ये लोग पीएफ का डूब जाएगा, ये एक बात है। और इसका टाइमली टाइम मायना नहीं होता है, एक दो महीना बाद कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का मायना होता है, और परमानेंट वर्कर जो है मेडिकल बिल टाइम से नहीं मिल रहा है, 4-5 मास हो गया मेडिकल बिल पूरा एकदम नहीं मिल रहा है अभी। ये सही जो आपका जो रिटायर किया है, जो वर्कर यहाँ पर 30-40 साल नौकरी किया है, आज 7-8 महीना हो गया उसका कोई ग्रेचुटी का रुपया नहीं मिल रहा है, उसका जो हक का रुपया ही नहीं मिल रहा है, उसके साथ मेडिकल का जो अवस्था है, एलटीए वाला जो रुपया वो भी नहीं मिल रहा है, और मेडिकल का जो अवस्था है, कोई नर्सिंग होम, कौन नर्सिंग होम में भर्ती होगा पेशेंट, इसका ठीक नहीं, मेडिकल अवस्था भी इसका पूरा धस गया है। इस समूचा सेफ्टी को लेकर, वर्कर का जो फिंज बेनिफिट है सभी का लेकर, हम लोग का यहाँ पर ऑल यूनियंस का तरफ से यहाँ पर घेराव कर्मसूची कर रहा है। मैनेजमेंट का कोई फुटफुल रिजल्ट ना आने से हम लोग यहाँ पर घेराव कर्मसूची हम लोग का जारी रहेगा, और बार बार हम लोग चिट्ठी किया है, सब किया है, आज लास्ट हम लोग यहाँ पर घेराव कर्मसूची कर रहा है। मैनेजमेंट अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देगा तो हम लोग घेराव उठा लेंगे, नहीं तो चलेगा। कुल कितने वर्कर हैं यहाँ पे? परमानेंट वर्कर हम लोगों का 180 है परमानेंट वर्कर, और ठेकेदार भी लगभग 100 है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुब्रत राय है, मैं यहाँ का INTDUC का असिस्टेंट सेक्रेटरी। বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক লড়ছে, অবিলম্বে গ্যাচুইটির পেমেন্ট করতে হবে, অবিলম্বে সমস্ত রিটায়ার পার্সনদেরকে গ্যাচুইটির টাকা পেমেন্ট করতে হবে। প্রচলন স্যার, বাইরের গেটে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, ওদের বিভিন্ন রকমের দাবি দেওয়া আছে, পিএফ থেকে মেডিকেল ফেসিলিটি, শ্রমিক ছাটানি, এই বিষয়ে স্যার আপনার কি বক্তব্য? দেখিয়ে যাহা তক মে জো সুনা পিএফ আর ইএসআই ওয়ালা জো ইস্যু হ্যায় কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার কা অ্যাকচুয়াল মে হ্যায় তো কম্পানি কা হ্যায় কি জিস কন্ট্রাক্টর কে অন্দর মে ও কাম কর রহা হ্যায় উস কন্ট্রাক্টর কে থ্রু অভি তক কা ইধর কে হম কম্পানি কে থ্রু ও জমা হোতা থা ও সারা চেক বগেরা ও দে দেতা থা কম্পানি কা হেড মে एक कंपनी की तरफ से जमा होता था। तो कंपनी डिसाइड किया कि भाई ये जो जिस ठेकेदार के अंदर में काम कर रहा है, उस ठेकेदार के PFESI का जो कोड है उसके अंदर में जमा हो, एक इशू है। मैनेजमेंट के पास, इसके पास हम लोग भी बोले हैं कि भाई ये लोग मतलब इस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, हमने ऊपर वाले मैनेजमेंट को बता दिया है। जहाँ तक अब देखिए, ये लोग हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी में अभी क्या है कि जो हम लोग का जिसे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स से टाई अप रहता है कि मान ली किसी को अचानक कुछ हुआ तो उधर जा करके एडमिट हो जाएगा। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, लेकिन विद इन 1-3 मैंने 2-3 दिन के अंदर वो फाइनलाइज होने वाला है। लगभग 99% फाइनलाइज हो गया, जस्ट एग्रीमेंट पे साइन होना है, वो 1-2 दिन के अंदर लगभग ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब आया आपका ग्रेचुटी, जो प्रीवियस वर्कर्स हमारे रिटायर कर गए हैं, तो ग्रेचुटी का क्या, धीरे धीरे हम लोग सब
हुआ था, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन लॉग धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ब्लॉक किया हुआ है, कि मैं समझ रहा हूँ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रेचुटी मिल जाना चाहिए टाइम से, लेकिन कोरोना काल जो ये चल रहा है ना, तो आदमी क्या है कि ऑफिस रेगुलरली जा नहीं पा रहा है, और खास करके हमारा हेड ऑफिस कोलकाता है, कोलकाता वो पूरा जोन जो है कोरोना मतलब COVID-19 इफेक्टेड जोन है, तो इसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम डिले हो रहा है। मतलब सर, लेकिन ऑन प्रोसेस सारा चीज है हमारा, कोई वर्कर का कोई कुछ नहीं मतलब कि यहाँ रुक जाएगा या कुछ होगा, थोड़ा सा ये पीरियड ट्रांजिशन पीरियड है, इसलिए डिले हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब वर्कर लोग जो आज विक्षोभ प्रदर्शन कर रहा है, इसमें आप लगभग लगभग समर्थन में हैं? एक समर्थन की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट के तरफ से कि जितने मांग इनके हैं सारा मांग का पूर्ति किया जा रहा है, क्योंकि ये मतलब कि डिले हो इसलिए हो रहा है कि कोरोना काल में थोड़ा, अभी से मान ली हमारा जो साइनिंग अथॉरिटी है, हो सकता है एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहा हो 10 दिन, मतलब बहुत ही जल्दी ये सब मांग को पूरा किया जाए। एकदम ये कोई मतलब कि ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन बोल दीजिए। प्रवीण कुमार, फैक्ट्री मैनेजर।